दो मैं दिखाऊं आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है नादिया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। सुबह सुबह ये बच्चे मेरे बालों में लगे हुए थे जो आप देख रहे हैं। दरी मेरे बिल्कुल सुलझे हुए बाल थे और देख देख के आराम से मैं बाल काट के देती तो छोटी कर दियो। एक चीज उठाओ और आपका वो दिन होगा। कैसा दिन है? कैसा दिन मतलब? कोई सा भी, मतलब मैंने काफी सैटरडे वो हमेशा रहता है मेरा। तुम लोग कम सैड करते हो, परेशान करते हो। मेरा ना मतलब ट्यूशन जाने से पहले का है लवली डे, ट्यूशन में एंग्री डे और खेलने वाले वक्त सैड डे। दानी बाल खींच रहे, बाल खींच रहे, बाल खींच रहे। हो गया? नहीं तो करो जल्दी, हिंदी लाऊं मैं? तेल लगा दिए इस लड़के ने, कल लगाऊंगी। इतने बस देखो हेयर फॉल कितना हो रहा है आपको। चलो चलो करो। हेयर फॉल का मतलब भी जानता है? सबका मतलब जानता है। हो गया तनी, मैं बांध लूँ अब अपने बाल? नहीं, मैं बांधूंगी। नहीं कंघी लो। अरे रुक जाओ, हट तो। अरे 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 बचाए बचाए, दे देखो वहां भी लगा मैं ज्यादा मत खींचो बालों। या कितने लगाएगी तू? तो आज हम बनाएंगे क्या बनाएंगे? दम आलू बनाएंगे, पर दम आलू बनाएंगे थोड़ा सा अलग स्टाइल से। तो मैंने ना आलू को बॉईल कर लिया था और कुछ इस तरीके से बॉईल करके आधा कट किया और उनको इस तरीके से खाली कर लिया। मतलब एक कटोरी की शेप दे दी है अंदर से। इनको मैं दिखा दूं आपको, हाँ ये देखिए। ठीक है, तो मैंने इन सारे आलू को देखिए खाली कर चुकी हूँ। तो इस तरीके की है ना कटोरी सी शेप कर लिया और जो बीच में आलू था वो ये रहा। ठीक है, इसकी हम इसके अंदर भरने के लिए फिलिंग्स बनाएंगे जो मैं भी तैयार करूंगी। पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तो इनको मैंने ज्यादा बॉईल नहीं किया, 90% करना है बॉईल। और ठीक है, और अब हम इस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं और इसको अब हम करेंगे डीप फ्राई। ओके, डीप फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छे से हो जाए। बच्चों के लिए दूध कर देती हूँ, बच्चे गए हैं नीचे खेलने, खेल के आएंगे तो ऑब्वियसली उनको दूध चाहिए होगा। और मैं सोचू इस भगोने को खाली करके चाय बना लेती हूँ अपने लिए। ठीक है, और साथ में ही हमें इसकी ग्रेवी के लिए भी तैयारी करनी है जिसमें हमें प्याज वगैरह, प्याज को पीस लेना है, लहसुन पीस लेना है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक इनको मिला के पीस लेना है। ठीक है, और ये इसकी फीलिंग्स मैं बताऊंगी इसमें क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा। और ये जो रेसिपी है ये देहरादून में जहाँ मैं रहती थी वहां जो आंटी थी, ऑनर थी जो हमारी, आपने सबने देखा है भाभी को भी और आंटी को भी, नीचे ही जो रहती थी है ना, तो उनकी है ये रेसिपी। मैंने उन्हीं को देखा है, उन्हीं के घर में बनते हुए देखा है। मैंने एक बार ट्राई की है बस, अब मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज आंटी की रेसिपी आज मेरे मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ अपने तरीके से। देखो कैसी बनती है। और आंटी भी ब्लॉग देखती है, रेगुलर तो नहीं है शायद, पर जब भी देखेंगी तो आंटी जी ये आपसे सीखा है। और आज बना रही हूँ, कुछ गलती हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिए, फोन पे भी बता सकते हो। तो आज मैं बना रही हूँ आपकी रेसिपी। ठीक है, तो कुछ मेरे ढंग से भी, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं है क्या था क्या नहीं। अब मैं कुछ थोड़ा सा अपने आप ही एड ऑन कर दूंगी इसके अंदर। तो बस तेल हो जाए थोड़ा गर्म तो हम इसको डाल देंगे और इसको दूध को कर लेते हैं।
चाय पत्ती डाल दी। लो रेसिपी की शुरुआत भी हुई है, गड़बड़ पहले करने लग रही हूँ। अब आप इससे समझ सकते हैं मेरी रेसिपी का क्या हाल होने वाला है। तो चलिए तेल गर्म हो गया, मैं अब ये इनको डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। कहाँ जाऊंगी मैं, स्वेटर के बिना? ठंड नहीं लग रही क्या? अब ये क्या बना रहे हो? सब्जी। हाथ धोया करो भैया। कटोरी? हाँ कटोरी वाली सब्जी है। देखो चिप्स खाने कटोरी वाले। अरे नहीं बेटा, अभी इसके अंदर वो भरेगी है ना, अभी देखिए मसाला तैयार होगा, ये भरा जाएगा, फिर सब्जी बनेगी इसकी। आपने काटे कैसे? पहले मैं हाथ धो के। दूध दे दूं? हाँ धो लो दोनों। हाथ धो के आओ पहले। रसोई में तब तन आता है भाई, रहने दे, इधर आ जाओ, ये स्लिप हो जाएगी, तेल गिर जाएगा सारा। मम्मी क्या बना रहे हो? खाना। इसके साथ कुछ है? नहीं आज कुछ नहीं। ये है ना, ये ले लूं मैं? नहीं। तो वो तो मेरे हो गए हैं, आलूओं को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उनको मैंने निकाल के रख दिया है। तो इधर मैं देखिए अब उनकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने तेज़पत्ता दालचीनी डाल दी थी और फिर जीरा डाला तेल गर्म होने पर, फिर मैंने ये प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था तो वो ऐड कर दिया है। तो जब तक इसको अच्छे से हम भुनेंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो इतने हम कुछ और भी काम कर लेंगे जब ये धीरे धीरे भुनता रहेगा, क्योंकि हमें फिलिंग्स भी तैयार करनी है उसकी। तो सो चलिए वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो जो आलू मैंने इसमें से निकाला था, इसके अंदर से मैंने मतलब आलू जो निकाला था उसके अंदर मैंने मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, नमक, आप चाहें तो मिर्च भी मतलब कर सकते हैं, और इसके अंदर आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको फिलिंग्स बनानी है आप धनिया, हरी मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, जैसे भी आपको करना है। तो और इसके ऊपर पनीर मैं क्रश कर लूँगी क्योंकि मुझे पनीर की फिलिंग्स करनी है। तो आप चाहे तो प्योर पनीर डाल सकते हैं, बट पनीर और मैं आलू दोनों मिक्स करके ही उसके अंदर भरूँगी। तो देखिए मैंने पनीर ले लिया इतना, तो अच्छे से अब इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दूँगी क्योंकि मेरी रसोई बहुत छोटी है, तो थोड़ा थोड़ा सामान है ना मेरे को साथ साथ उठा के रखना होता है, और मैं धनिया धो के और कट करके है ना मैं पन्नी में बांध के रख लेती हूँ, बहुत सहूलियत हो जाती है, जब चाहिए जब निकाल लो। थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आजकल सच कहूँ तो मुझे सब्जी में अमचूर पाउडर सॉरी चाट मसाला बहुत अच्छा लग रहा है, आपने सोचा नहीं होगा पर सच में दाल में भी डाल लो ना थोड़ा सा छोंक के टाइम पे चाट मसाला, तो दाल का स्वाद ही अलग हो जाता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है, और बस ये सब करने के बाद हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी, और इसका बस एक फिलिंग बैटर बना लेंगे बढ़िया तरीके से। इसको अच्छे से मतलब सारा मसाला मिक्स कर लेंगे, और वो जो मैंने आपने देख रहे होंगे साइड में रखी हुई हैं उनको मैंने अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया था, अब इसके अंदर हम भर देंगे। देखिए ये जो कटोरियाँ सी बनी थी ना मैं इनके अंदर भर दूँगी। पता है जब कच्चे आलू होते हैं और उनको डीप फ्राई करो ना तो वो शेप नहीं बिगाड़ते अपनी, बट बॉयल करके डीप फ्राई करो तो थोड़ी वो शेप हो जाती है, बट ठीक है कोई नहीं। मैंने इस तरीके से देखिए इन सबको फिल कर दिया है, और बहुत ही सच को तो बच्चे तो ऐसे हो रहे थे कि मम्मी हमें ना कुछ स्नैक्स बना के दे रही है, तो बस वो बार बार कभी चाट मसाला ला रहा था कभी कुछ के मम्मी दे दो दे दो। अब मैंने आलू बहुत कम करे थे, मैंने कहा सब्जी में बनेंगे बेटा, तो ये मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे मसाला भी हो रहा है, अभी हम भूनने लग रहे हैं इसको, और जैसे ये भुनेगा इसके बाद आप देखिएगा ये मैंने कुछ 3 से 4 लौंग और काली मिर्च है उसको लिया था, क्योंकि मुझे साबुत पसंद नहीं आती तो मैंने कूट लिया है,
क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छे से आएगी, तो मैंने इसीलिए डाल दिया। मसाले डाल देता हूँ इसमें, मिर्च कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल ली है। आप देख ही रहे हैं मैंने मसाले वही बेसिक मसाले डाल रही, कोई खास नहीं डाल रही। मिकी वो किचन किंग लेकर आई हो? किचन का राजू मेरे को क्या पता कौन है? उस पे लिखा तो होता है ना बेटा, देख के लेके आओ। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे मसाला है ना अच्छे से हो जाए, है ना? देख सकते हैं तो मसाला अच्छे से भून, टमाटर के बाद भी डाल सकते हैं मसाले, बट पहले डाल दो ना बहुत अच्छे से भून जाते हैं मसाले। उमर क्या है की मसालों की बात करें, मेरे को लगे असली राजा की बात। इसको डालने से ना सब्जी का एक अलग ही टेक्सचर आता है, अलग ही मतलब स्वाद आता है। तो अभी इसको अब देखिए मैंने टमाटर जब ऐड किए थे टमाटर भी हो गए हैं, फिर उसके बाद मैंने मलाई ऐड कर दी है और मलाई डालने के बाद अच्छे से चला दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मलाई जब मतलब गर्म होगी और इसके अंदर मिक्स होगी तो वो अपना ऑयल रिड्यूस करेगी, घी रिड्यूस करेगी, तो वो मसाले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस ऐसे ही चलाते हुए देखिए मेरी मलाई भी मिक्स हो गई है अच्छे से, बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब इसको थोड़ा देर और भूनेंगे और मैंने इसके अंदर रब डाला है थोड़ी देर भूनने के बाद पानी, क्योंकि मुझे अच्छे से इसको भूनना भी है और एक ग्रेवी भी अच्छी सी तैयार करनी है। सो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अभी मैं इसके अंदर है ना इसको ढक के पकाऊंगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसके अंदर मैं थोड़ा और पानी डाल दूंगी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, और इसे फिर ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। और देखिए ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। आप अपने अनुसार पानी ऐड कीजिएगा जितनी जैसी आपको ग्रेवी चाहिए, पर थोड़ी सी लिक्विड ही रखिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और अब हम इसको डाल देंगे, ठीक है, सारे मतलब जो डाल देंगे। और मैंने ना कसूरी मेथी डालना भूल गई थी, सो मैंने अब डाल दी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं अपने सारे आलूओं को इसके अंदर जचा दूंगी और 2 मिनट इसे ढक के पकाऊंगी और हमारी जो रेसिपी है वो बन के तैयार है। और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना। इसके आप जो ग्रेवी है काजू की बना सकते हैं, काजू की सबकी किसी भी चीज़ की बना सकते हो, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।